नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण वर्मा और आपका अपने YouTube चैनल क्रिश कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास Acer One सीरीज का लैपटॉप है और इसमें एक एरर आ रहा है नो बूटेबल डिवाइस का। तो इसको आज हम आप लोगों को सॉल्व करना सिखाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको अपना कंप्यूटर जो है उसका पावर बटन थोड़ी देर तक दबाए रखना है और इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद हम ऑन करेंगे इसको और F2 की को प्रेस करेंगे। तो हम F2 की को बार बार प्रेस करेंगे और यह बूट मेनू में चला जाएगा, सॉरी बायोस सेटिंग में चला जाएगा। और यहाँ पर आपको जाना है, अपनी राइट एरो की मदद से आपको जाना है बूट वाले टैब में और यहाँ पर देखना है जो कि OS सिलेक्शन है, यहाँ विंडो 10 हो रखा है, इसको अदर OS कर देना है आपको। उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करना और यहाँ पर S कर देना है आपको। S करने के बाद आपका लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट होगा। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका एरर सॉल्व होता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।